जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। सुनील सूद वोडाफोन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की पुस्तक नाइदर अ हॉक नॉर अ डव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया। भारतीय स्टेट बैंक को वित्त वर्ष 2014-2015 का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया। नवजात शिशु से पहला अंग प्रत्यारोपण करने में ब्रिटेन के डॉक्टरों ने सफलता पाई। केंद्र सरकार ने पंजाब हेतु 18,000 करोड़ रुपए की नई मार्ग परियोजनाओं की घोषणा की। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन महासंघ की महिला रैंकिंग में तीसरे स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शांति निर्माण पैनल में सरस्वती मेनन को नियुक्त किया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला कृत्रिम पैंक्रियाज सफलतापूर्वक मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। हैती में प्रधानमंत्री इवांस पॉल के नेतृत्व में सरकार के गठन की घोषणा। वैज्ञानिकों ने नए खेत की खोज में मदद के लिए नए वैश्विक मानचित्र विकसित किए। ONGC ने हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा के क्षेत्र में पैन IIT के साथ करार किया। जसजीत अहलूवालिया रटगर्स यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन नियुक्त। प्रधानमंत्री जनधन योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। गन फॉर ग्लोरी शूटिंग चैंपियनशिप 2015 में अयोनिका पॉल और अन्नू राज सिंह ने स्वर्ण पदक जीते। करंट अफेयर्स विस्तार से। सुनील सूद वोडाफोन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त। सुनील सूद को भारत में वोडाफोन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी 22 जनवरी 2015 को नियुक्त किया गया। सुनील सूद 1 अप्रैल 2015 को कार्यमुक्त होने वाले मार्टिन पीटर्स का स्थान लेंगे। पीटर्स ने वर्ष 2009 में यह पद ग्रहण किया था। इसकी घोषणा वोडाफोन समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विटोरियो कोलाओ ने किया। सुनील सूद वर्ष 2000 में वोडाफोन इंडिया की पूर्ववर्ती कंपनी हच से जुड़े थे और उन्होंने गुजरात, कोलकाता और चेन्नई में कंपनी के परिचालन के नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी संभाली थी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की पुस्तक नाइदर अ हॉक नॉर अ डव। नाइदर अ हॉक नॉर अ डव नामक पुस्तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक मूल रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर आधारित है। लेखक ने इस पुस्तक में लिखा है कि इन दोनों देशों के पास जम्मू कश्मीर और अन्य विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण समाधान के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और भारत सरकार की वर्तमान नीतियों सहित नवंबर 2014 तक की घटनाओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगना एवं लड़कियों को सुशिक्षित बनाना है। सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों की सामाजिक सुरक्षा के तौर पर शुरू किया गया। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर डाक टिकट जारी करने के साथ ही प्रचार वाहन जन जागरण के लिए रवाना किए गए। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कम लिंगानुपात वाले देश के 100 जिलों पर विशेष अभियान चलाकर इसके प्रति लोगों में जन जागरूकता फैलाने की घोषणा की। इसमें हरियाणा के 12 जिले शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक को वित्त वर्ष 2014-15 का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक को गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी GPACSR से पुरस्कृत किया गया।
भारतीय स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड चेंज डिपार्टमेंट के प्रबंध निदेशक विनोद पांडे ने यह पुरस्कार CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 21 जनवरी 2015 को ग्रहण किया। इससे पहले वित्त वर्ष 2014-15 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी GPAS SBI को ही मिला था। यह पहला अवसर है जब दोनों श्रेणियों सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ही वित्त वर्ष के दौरान भारतीय स्टेट बैंक को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया। नवजात शिशु से पहला अंग प्रत्यारोपण करने में ब्रिटेन के डॉक्टरों ने सफलता पाई। डॉक्टरों ने ब्रिटेन में नवजात शिशु से पहला अंग प्रत्यारोपण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पश्चिम लंदन स्थित हैमरस्मिथ अस्पताल में एक आपात शल्य क्रिया द्वारा 6 दिनों की बच्ची से यह अंग प्रत्यारोपित किए गए। ऑपरेशन संबंधी खबर जनवरी 2015 के तीसरे सप्ताह में आर्काइव्स ऑफ डिजीजेस इन चाइल्डहुड में प्रकाशित हुई थी। इस मामले ने ब्रिटेन में नवजातों के देखभाल के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित किया है। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन बंद होने के बाद उसके गुर्दे और जिगर की कोशिकाएं 2 अलग-अलग मरीजों को दे दिए गए। नवजात शिशु विशेषज्ञ गौरव अत्रीजा और सुनीत गोदाम्बे ने इस घटना के बाद नवजात शिशुओं के अंगों को प्रयोग कर भविष्य में और प्रत्यारोपण किए जाने की आशा व्यक्त की। केंद्र सरकार ने पंजाब हेतु 18,000 करोड़ रुपए की नई मार्ग परियोजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय भूतल परिवहन राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब हेतु 18,000 करोड़ रुपए की नई मार्ग परियोजनाओं की 23 जनवरी 2015 को घोषणा की। इस परियोजना के अंतर्गत आने वाली सभी मार्ग परियोजनाएं वर्ष 2015 में प्रारंभ की जाएंगी। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाएगा तथा 5 रोडओवर ब्रिज बनेंगे। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन महासंघ की महिला रैंकिंग में तीसरे स्थान पर। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु 23 जनवरी 2015 को जारी विश्व बैडमिंटन महासंघ की महिला रैंकिंग में क्रमशः तीसरे और 9वें स्थान पर पहुंच गईं। लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीतने के साथ ही साइना नेहवाल ओलंपिक खेलों की बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। 2 बार के विश्व कांस्य पदक विजेता संधु एक बार फिर शीर्ष 10 में पहुंच गईं। वे 2 स्थान के सुधार के साथ 9वें स्थान पर हैं। अन्य भारतीयों में पारुपल्ली कश्यप और HS प्रणय क्रमशः 1 और 2 स्थान के सुधार के साथ 15वें और 18वें स्थान पर पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शांति निर्माण पैनल में सरस्वती मेनन को नियुक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने 24 जनवरी 2015 को शांति निर्माण पैनल में भारतीय समाज शास्त्री सरस्वती मेनन को नियुक्त किया। इस पैनल में शांति निर्माण की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। औपचारिक रूप से इस पैनल को संयुक्त राष्ट्र संघ के सलाहकार समूह के रूप में जाना जाता है। 7 सदस्यीय पैनल के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त पाकिस्तानी मेजर जनरल अनीस बाजवा, फ्रांस के चार्ल्स पैट्री शामिल हैं। ये सभी सदस्य श्रीलंका में शांति उपायों की समीक्षा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला कृत्रिम पैंक्रियास सफलतापूर्वक मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का पहला कृत्रिम पैंक्रियास सफलतापूर्वक मानव शरीर में प्रत्यारोपित किया गया। 1-4 वर्ष के बच्चे जेवियर हैम्स को यह कृत्रिम पैंक्रियास लगाया गया। इसकी सूचना पर्थ स्थित प्रिंसेस मार्गरेट अस्पताल ने जनवरी 2015 के तीसरे सप्ताह में जारी की। टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित होने के कारण हैम्स को हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज के कम स्त्राव के चलते दौरा, कोमा या फिर मौत की आशंका का खतरा रहता था। शुगर की मात्रा कम होने और इंसुलिन का स्त्राव रुकने की स्थिति का पता लगाने में यह उपकरण सक्षम है। हैती में प्रधानमंत्री इवांस पॉल के नेतृत्व में सरकार के गठन की घोषणा। हैती के राष्ट्रपति माइकल मार्टेली ने प्रधानमंत्री इवांस पॉल के नेतृत्व में सरकार के गठन की 18 जनवरी 2015 को पोर्ट ऑफ प्रिंस में घोषणा की।
माइकल मार्टेली ने हैती के मंत्रिमंडल में 18 मंत्रियों और 16 सचिवों की नियुक्ति की। माइकल मार्टेली ने रक्षा, विदेश मामलों के मंत्रियों, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा और लोक निर्माण सहित सार्वजनिक सुरक्षा के लिए योजना मंत्री और राज्य के सचिव के महत्वपूर्ण पदों के लिए अपने सहयोगी दलों के सदस्यों को मौजूदा कैबिनेट में नियुक्त किया। माइकल मार्टेली वर्ष 2011 से सत्ता में है। हैती में राजनीतिक संकट के बीच प्रधानमंत्री लॉरेंट लेमोथ ने 14 जनवरी 2015 को इस्तीफा दे दिया। वैज्ञानिकों ने नए खेत की खोज में मदद के लिए नए वैश्विक मानचित्र विकसित किए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड सिस्टम्स एनालिसिस यानी IIASA के वैज्ञानिकों ने नए खेत की खोज में मदद के लिए वैश्विक मानचित्र विकसित किए हैं। ये मानचित्र जनवरी 2015 के तीसरे सप्ताह में ग्लोबल चेंज बायोलॉजी नाम के जर्नल में भी प्रकाशित किए गए थे। इसमें दो प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं, जिसके मुताबिक खोज के लिए विशेषज्ञों का तर्क अनिवार्य है। पहला मानचित्र अंतर्राष्ट्रीय और अच्छी तरह से जांचे हुए भीड़ स्रोत आंकड़े का प्रयोग कर तैयार किया गया है, जिसमें 2005 के लिए 1 किलोमीटर के रेजोल्यूशन पर वैश्विक खेत प्रतिशत दिखाया गया है। यह मानचित्र नागरिक वैज्ञानिकों के वैश्विक नेटवर्क द्वारा खेतों के हजारों उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियों को देखने के बाद बनाया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इलाके में 2005 में मौजूद खेत बचे हैं या नहीं, ये खेत कहाँ हैं और कब ये खेत बाकी बचे रह जाएंगे तथा क्या वे अभी भी प्रयोग में हैं आदि तथ्यों के निर्धारण में ये मानचित्र मदद कर सकते हैं। ONGC ने हाइड्रोकार्बन और ऊर्जा के क्षेत्र में पैन IIT के साथ करार किया। 19 जनवरी 2015 को तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने पैन IIT यानी भारतीय औद्योगिकी संस्थान के साथ हाइड्रोकार्बन एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अन्वेषण एवं शोषण को बढ़ाने हेतु स्वदेशी तकनीक को विकसित करने के लिए सामूहिक अनुसंधान एवं विकास कार्यों की दिशा में करार किया। पैन IIT 7 प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी और IIT रुड़की का संघ है। समझौते पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया पहल की प्रतिक्रिया है। दोनों संस्थानों ने समझौते के तहत 7 विषयगत क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान की है। जसजीत अहलूवालिया रटगर्स यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन नियुक्त। भारतीय मूल के प्रख्यात शोधकर्ता और शिक्षाविद जसजीत अहलूवालिया को 20 जनवरी 2015 को अमेरिका के न्यू जर्सी में रटगर्स यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का डीन नियुक्त किया गया। वे अप्रैल 2015 से डीन का पदभार संभालेंगे। अहलूवालिया यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा एकेडमिक हेल्थ सेंटर में आंतरिक चिकित्सा और महामारी विज्ञान के प्रोफेसर हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व छात्र अहलूवालिया स्वास्थ्य असमानताओं और अल्पसंख्यक स्वास्थ्य एवं निकोटीन की लत के क्षेत्र में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शोधकर्ता हैं। वे वर्ष 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास में निवारक चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग के उपाध्यक्ष एवं शोध निदेशक थे। अहलूवालिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH में अल्पसंख्यक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य असमानताओं के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का अपना कार्यकाल पूरा किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल। 20 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बना ली। भारतीय बैंकों ने 5 महीने की छोटी अवधि में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 11.5 करोड़ खाते खोले। खुले हुए कुल खातों में से 5.68 करोड़ खाते पुरुषों के और 5.82 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। प्रतिशत के रूप में पुरुषों के 49.37% और महिलाओं के 50.63% खाते हैं,
ग्रामीण इलाकों में 6.84 करोड़ खाते खोले गए, जो खोले गए कुल खातों का 59.49% था, जबकि शहरी इलाकों में 4.66 करोड़ खाते खोले गए, जो कि 40.51% था। अगस्त 2014 में भारत सरकार ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ खाताधारी लोगों तक पहुंचाने के लिए 10 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया था। गन फॉर ग्लोरी शूटिंग चैंपियनशिप 2015 में अयोनिका पॉल और अनुराज सिंह ने स्वर्ण पदक जीते। रेलवे की खिलाड़ी अयोनिका पॉल और महाराष्ट्र के अनुराज सिंह ने गन फॉर ग्लोरी शूटिंग चैंपियनशिप 2015 में स्वर्ण पदक जीते। यह चैंपियनशिप पुणे के बालेवाड़ी स्थित श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15 से 21 जनवरी 2015 के मध्य खेला गया। अयोनिका ने 206.8 अंक बनाकर महिलाओं की 10 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक तथा पूजा ने 205.5 अंक बनाकर रजत पदक जीता। अनुराज ने 199.2 अंक बनाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक तथा पुणे की अमिता गवाटे ने 191.6 अंक बनाकर रजत पदक जीता। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।